नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद लखनऊ में। आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें और साथ ही साथ लाइक बटन को जरूर दबा दें मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, दरोगा भर्ती की सुनवाई को लेकर। आइए पूरी खबर को हम आपको बताते हैं, उसके बाद 49,568 पदों की वैकेंसी के रिजल्ट के बारे में बताते हैं। तो मित्रों यहाँ पे आप देख सकते हैं, दरोगा भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ सुनवाई हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रयागराज की आज की ताज़ा खबर है, दरोगा भर्ती में विषयवार नॉर्मलाइजेशन की नीति अपनाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। इस मामले को लेकर दाखिल दर्जनों याचिकाओं पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा सुनवाई कर रहे हैं। याचिकागढ़ का कहना है कि दरोगा भर्ती का रिजल्ट जारी होने के बाद करीब 2300 चयनित अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए हैं। ऐसा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाने के कारण हुआ है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने चयन के बीच में नियम में बदलाव किया है जो अवैधानिक हैं। याचिका पर अधिवक्ता MD सिंह शेखर, विजय गौतम आदि बहस कर रहे हैं। ठीक है, यही खबर थी। आइए नेक्स्ट खबर की तरफ हम लोग चलते हैं मित्रों। तो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट मिल रहा है 49,568 पदों की वैकेंसी के रिजल्ट को लेकर। तो मित्रों आपकी 49,568 पदों की वैकेंसी का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है और आपका इंतजार भी खत्म होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, आपका रिजल्ट 10 अप्रैल को आ रहा है। 10 अप्रैल को आप लोग बिल्कुल आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपका इंतजार भी खत्म होने वाला है मित्रों। तो 10 अप्रैल को आप इंतजार कर लीजिए, आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग बेफिक्र रहे हैं, आपका रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। तो आज की इतनी खबर थी मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, शुक्रिया।